बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट न्यू चैप्टर है और इसमें से आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेसिकली क्या है, हम इसके अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कुछ पॉइंट्स की। और सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से हमारा रिजल्ट क्या आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का पर्पस है हमारा सरप्लस निकालना। सरप्लस किसे बोलते हैं हम? प्रॉफिट को, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे सरप्लस इस अकाउंट का बनाने का। तो जहां से भी सरप्लस आता है तो उसका कुछ नेचर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा। तो ये कुछ कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा आप समझ के मान के कर सकते हो, वैसा कि यहाँ से हमारा प्रॉफिट यानी इनकम और खर्चे से डिटेल होगा। एक इसके अंदर बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होगा आपका? प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं होगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट होगा, यानी कुछ एसेट्स की इंफॉर्मेशन होगा, लाइबिलिटी साइड कुछ भी नहीं आएगा। तो जो भी एसेट्स का इन्फॉर्म है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को फुलफिल करके इसे कंप्लीट करेंगे। बैलेंस शीट बिल्कुल सेम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, जब सीखेंगे तब देखेंगे। एक बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। आप पहले कुछ इसके अंदर जो यूज होंगे वर्ड, उस वर्ड को समझेंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा जाके। सबसे पहले एक वर्ड होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है, तो मान लो मिस्टर ए, मिस्टर ए और मान लेते हैं मिस्टर बी, दो पर्सन है। मिस्टर ए को अपना एक मकान बनवाना है या फिर एक मॉल बनवाना है, कुछ भी बनवाना हो सकता है मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए को एक मकान बनवाना है अपना। इस मकान को बनाने के लिए ये ढूंढेगा कोई सी ऐसे पर्सन को जिसका काम ही हो मकान बनाने का। एक तरीके से सिंपल वर्ड में बोलूं तो ठेकेदार उसको ढूंढेगा। तो मान लो वो जो काम करता है मकान बनाने का, वो मकान बनाने का काम किसका है? मकान बनाने का काम मिस्टर बी का है। तो मिस्टर बी जो है, इसको हम अकाउंटिंग वर्ड में कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? ये इसका मकान बनाएगा। और दूसरा जो मकान बनवाएगा, इसको अकाउंटिंग वर्ड में कॉन्ट्रैक्टी बोलेंगे। इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। तो एक तो हो गया कॉन्ट्रैक्टी, एक हो गया कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा? जो मकान को बनाएगा। और कॉन्ट्रैक्टी कौन होगा? जो मकान बनवाएगा। हम अकाउंटिंग करेंगे इसके लिए। जब ये मकान बनाएगा तो एक लमसम अमाउंट डिसाइड करेगा ठेके में। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जब बातचीत चली तो मिस्टर ए ने बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब, मिस्टर बी आप मुझे ये बताओ कि मेरा मकान कितने का बना दोगे आप। कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो देखेगा कितने फ्लोर बनवाने हैं, एक फ्लोर, दो फ्लोर, क्या एरिया है, कितना मटेरियल लगेगा, पहले वो पूरा जायजा लेगा, उसके बाद एक लमसम अमाउंट बता देगा। और यहाँ पे पूरा मटेरियल वगैरह सब साथ के, इसने क्या बोला कि सर आपका जो मकान है वो मैं 50 लाख रुपए में बना के तैयार कर दूंगा, मटेरियल के साथ 5 मंजिल मकान आपके बन जाएंगे। अब बताओ मकान बनने में 1 महीना, 1.5 महीना, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, कोई तो इसमें फिक्स है नहीं। कुछ मकान बनने में तो 4-5 साल भी लग जाता है, बिल्डिंग बनने में भी इससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है, और हो सकता है 3 महीने में बन जाए। इन दोनों के बीच में हुआ, मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर क्या करा, साइन कर दिया। अब ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और कॉन्ट्रैक्ट किस बात को लेके बना, कि मेरे मकान को बनाने को लेके। अब बात होगा इसके बीच में पेमेंट का। ये बोलेगा सर आप मुझे पेमेंट कैसे दोगे? तो आप बताओ मिस्टर ए एक साथ 50 लाख रुपए पहले दे दे या वो धीरे धीरे देगा? सॉरी, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को जो पेमेंट देगा वो एक साथ देगा या धीरे धीरे देगा? 50 लाख ऐसा तो हो नहीं सकता जी, आप मेरा मकान बनाओगे, ये लो 50 लाख। अगर ऐसा हुआ तो ये लेके भाग भी सकता है इसका पैसा।
तो ये क्या करेगा, इसके मकान बनाने के लिए इसको पेमेंट करेगा, लेकिन कुछ इसके जो है देखेगा जरूर कि मकान कितना काम कंप्लीट हो गया, एक लेंटर डल गया, दो लेंटर डल गया, प्लस्तर हो गया, पीओपी का काम हो गया, उसके बेस पे ये पार्ट पार्ट पेमेंट करता रहेगा। चाहे ये कितना भी बोल ले कि पेमेंट दे दो, ये नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर सारा पेमेंट दूंगा तो कल के दिन ये काम नहीं करेगा। तो मुझे हमें अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, कॉन्ट्रैक्टर बी। अब बताओ बी का जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यही है ना। तो मैं इसके लिए सेल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो किधर आना चाहिए, इनकम किस साइड आता है पीएनएल में, बाय साइड में। इसके खर्चे का जरिया क्या होगा, मटेरियल, सीमेंट, लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है, छोटे मोटे खर्चे, मशीनरी यूज करेगा, डेप्रिसिएशन, और भी कुछ इक्विपमेंट, कील वगैरह, स्टोर कंज्यूमर वगैरह यूज करेगा, इसके लिए किधर लिखेगा वो, ठीक है। इनकम का सोर्स ये और ये, इसी तरीके से हम इसका अकाउंट बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, तो समस्या नहीं है कि मैं तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ 50 लाख लिखूं और सारे के सारे खर्चे यहाँ लिख दूं, मेरा समस्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन काम कंप्लीट होगा ही नहीं, 1 साल में, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। तो क्या करेगा ये, बेसिकली जब इसका काम कंप्लीट होगा, ये बुलाएगा अपने आर्किटेक्चर को, या ये बुला लेगा आर्किटेक्चर को। आर्किटेक्ट का क्या काम होता है, आर्किटेक्ट जो करता है उसका काम होता है बिल्डिंग को कितना काम कंप्लीट हुआ, उसका स्ट्रक्चर बनाना, डिजाइन बनाना, यही काम होता है आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर आता है यहाँ पे और आर्किटेक्ट क्या कहता है कि भाई साहब आपका बिल्डिंग जो है, इससे इसने बुलाया, सपोज करो, अब क्या आर्किटेक्चर को परमानेंट सैलरी पे रखा जाएगा, या थोड़ा सा डिजाइन उजाइन बनवाया और उसको पैसे दिए, छुट्टी कर देंगे। नॉर्मली यही होता है, हमने बुलाया भाई मेरे मकान का आप नक्शा वगैरह बना दो कैसे बनेगा, और इसलिए बुलाया जाता है ताकि हमारा जो जगह है, स्पेस, अच्छे से अच्छा यूज हो पाए। डिजाइन बना दो, अच्छे डिजाइन का बना दो, उसने तो फटाफट 1 हफ्ते का टाइम लिया, बना के दिया, जी लो, और उसका पेमेंट हो जाता है। आर्किटेक्चर को इसने बुलाया और बोला कि यार कॉन्ट्रेक्टर को पैसे देने हैं, उसने बोला ठीक है। आर्किटेक्चर को इसने बुलाया, सपोज करो 1/4/2018 और ईयर एंड हो रहा है 31/3/2019 में, ठीक है। आर्किटेक्चर को बुलाया इसने, सपोज करो आपका 30, आपका अप्रैल, या फिर 30 अप्रैल कह रहा हूं, 31 दिसंबर इस दिन आया, तो आर्किटेक्चर जब इस दिन आएगा तो वो कहां तक का काम चेक करके जाएगा, मुझे ये बताओ, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का, या 31 दिसंबर से 31 मार्च का, कहां तक का काम चेक करेगा वो, ये वाला काम चेक करेगा, जो काम डन हो चुका है वही तो काम चेक करेगा, जो काम हुआ ही नहीं वो काम तो चेक नहीं कर सकता। ये बोलेगा इसको कि भाई साहब आपका काम जो है वो 30% कंप्लीट हो गया, या 40% कंप्लीट हो गया, या 5 लाख रुपए का कंप्लीट हो गया, या 10 लाख का कंप्लीट हो गया, ये बोलेगा। जब ये बोल देगा तो ये बोलेगा भाई मेरा काम इतना कंप्लीट हो गया, उसको हम बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। क्या वर्क सर्टिफाइड समझ में आया, जो आर्किटेक्चर ने बोल दिया। अब आर्किटेक्चर बोल के यहां बैठा थोड़ी रहेगा 31 मार्च, उसके पास तो और भी काम है, ये क्या करेगा, यहां से चले जाएगा। जाने के बाद इस काम को क्या बंद कर देगा कॉन्ट्रेक्टर, ये चलाता रहेगा, चलाता रहेगा, यहां से यहां तक काम भले ही चलाता रहा ये, आर्किटेक्चर बताए चाहे ना बताए, कॉन्ट्रेक्टर अंदाजे से लगा लेगा भाई मेरा यहां पे अगर 30% काम हुआ तो यहां भी 10% काम हो गया है। अगर मेरा यहां 3 लाख का काम कंप्लीट हुआ सपोज करो, और तो यहां पे मेरा 2 लाख का काम कंप्लीट, या 1 लाख का काम कंप्लीट हुआ है, तो ये वाला काम वो काम है जो कि आर्किटेक्चर ने सर्टिफाइड कर दिया, और ये वाला काम कौन सा है जो आर्किटेक्चर ने सर्टिफाइड किया या नहीं किया, नहीं किया, तो इस वाले काम को हम बोलते हैं वर्क नॉट सर्टिफाइड। तो पहला कॉन्सेप्ट आया वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड। मुझे बताना कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉन्ट्रैक्टी पैसे देगा वो किस बिहाफ पे देगा, जितना काम कंप्लीट करा उसी बिहाफ पे। तो इसके लिए ये एक तरीके से सेल्स बन जाएगा, बनेगा ही नहीं बनेगा, सेल्स बनेगा। तो इसका इनकम का जो सोर्स रहेगा वो रहेगा वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड।
इसका खर्चा क्या होगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं इसके। आप कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली कहीं मकान बनते हुए देख रहे हो तो आपको वहां पे अंदाजा लग जाएगा क्या क्या खर्चा हो सकता है। मैनेजर का सैलरी होता हो सकता है, गार्ड का सैलरी हो सकता है वहां पे, ठीक है। सारा खर्चा वो कहाँ दिखा देगा? अपने डेबिट में और क्रेडिट में, और ये प्रॉफिट निकाल लेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी, कॉन्ट्रैक्टी भी ऐसा होता है कि अगर इसको काम करके दिया मान लो 30 लाख रुपए का, 50 लाख में से 30 का, तो ये पूरे 30 पेमेंट नहीं देगा। ये उसको बोलेगा भाई एक काम करो 25 ले लो, 5 दे देंगे, जानबूझकर ये पैसे रोकेगा। और कॉन्ट्रैक्टर भी सोचेगा कि भाई अगर मैंने 30 का काम कंप्लीट कर दिया और आज मेरे और इसके बीच में लड़ाई हो जाए, मैं काम छोड़ दूं, तो 5 लाख तो इसके गए। तो ये प्रॉफिट को जो मानेगा वो मानेगा परपोर्शनेट बेसिस पे, जितना प्रॉफिट आएगा उतना प्रॉफिट इसने नहीं मानना, एक रूल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट तब तक फाइनल नहीं पता चल पाता जब तक कि पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए। यहां तो इसको क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस ही है ये, तो पहले साल में जब आर्किटेक्चर ने बोला भाई 10% हो गया, 30% हो गया, तो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी एक साल का हम P&L बनाने जा रहे हैं, वो भी किससे, अंदाजे से। तो हमने कुछ इसके अंदर मापदंड है, जो AS6 AS7 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसके हिसाब से कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, 2/3, 1/3, कभी प्रॉफिट मानना है, लॉस में क्या करना है, वो हम फॉर्मूले और उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट में एक बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसको बेसिकली सरप्लस निकालेंगे P&L के जैसा। बैलेंस शीट पूरा नहीं बनना, एक्सट्रैक्ट बनना है सिर्फ एसेट्स, एसेट का साइड, 1 मिनट का, ज्यादा लंबा काम नहीं है, 5 मिनट का काम है ये। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाया जाएगा, ये भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन मेजर अकाउंट मेरा ये रहेगा। ये अकाउंट इसके साथ बोला जा भी सकता है और नहीं भी बोला जा सकता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे और इसका फॉर्मूला वगैरह क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इसका इनकम का सोर्स होगा बाय साइड में। अब बाय टू तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही बता रखा है कि लिखो चाहे मत लिखो, वो आपकी मर्जी है, लिख देते हैं फिर भी। बाय साइड में वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको मैं लिख रहा हूं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका इनकम दो हो सकता है, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है ना, इसका इनकम हो सकता है वर्क सर्टिफाइड। दूसरा इनकम कौन सा हो सकता है, वर्क नॉट सर्टिफाइड, नॉट सर्टिफाइड। हर चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बिल्कुल क्लियर। ये लो इसका सेल्स लिख दिया। अब खर्चे की मैं बात करूं तो टू साइड में क्या हो सकता है, मटेरियल, मटेरियल के अलावा क्या हो सकता है इसका, लेबर। और अगर प्रीपेड हुआ तो हम क्या करते हैं जनरली, माइनस। आउटस्टैंडिंग हुआ तो प्लस, वही कॉन्सेप्ट यहां रहेगा। अगर आउटस्टैंडिंग है तो प्लस और प्रीपेड है तो माइनस, ठीक है ना। मेन लेबर होता है इसका खर्चा। और क्या हो सकता है, ओवरहेड, और क्या खर्चा हो सकता है सोचो इसका, मैनेजर का सैलरी जो यहां पे वर्क मैनेजर वगैरह है, और एक प्लांट की बात करते हैं, मशीनरी यूज होगा, मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट में क्या हो सकता है, वहां पे बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे कि मान लो ड्रिल मशीन होता है, उनका लेंटर डालने का अलग से मशीन होता है, वो सब यूज होगा, तो उसका डेप्रिसिएशन यहां दिखाना होता है। लेकिन हम इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेप्रिसिएशन थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं। अलग तरीके से कैसे, जैसे मान लो मेरा 100 रुपए का मशीनरी है, तो मैं पूरे मशीनरी का वैल्यू यहां दिखाऊंगा,
₹100, ठीक है ना, और डेप्रिसिएशन लगा के ₹20 का लग गया, तो बचा कितना मेरा मशीनरी? उस ₹80 को मैं इस साइड दिखाऊंगा, बाय क्लोजिंग, क्लोजिंग मशीनरी। तो आप मुझे बताओ, अगर इधर 100 और इधर 80 दिखाऊं तो ऑटोमेटिकली ₹20 आ जाएगा। तो हम डेप ना दिखा के इधर मशीनरी का पूरा वैल्यू और इधर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का वैल्यू, बस इतना ध्यान रखना। में पूरा कॉन्ट्रैक्ट साल में खत्म हुआ तो कुछ मटेरियल बचेगा भी, तो क्लोजिंग मटेरियल। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि मान लो बाहर सीमेंट रखा हुआ है मेरा, सीमेंट मेरे लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए मटेरियल, बारिश आ गई मैं उसे ढकना भूल गया या फिर मैं उसे हटाना भूल गया तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कोई भी लॉस हो इधर आएगा, लॉस ऑफ मटेरियल। क्लियर है? इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देगा कभी भी वो। यहां पे हमारा क्या निकलेगा बेसिकली, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा सरप्लस। और अगर इधर निकलता है तो क्या निकलेगा बताओ, अगर इस साइड निकले तो डेफिसिट बोल लो या फिर लॉस भी बोल सकते हो आप, ठीक है? यहां तक पॉइंट क्लियर है? सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, इधर खर्चे इधर इनकम, इनकम में WIP हो जाता है हमारा। अब इस प्रॉफिट को हमें सारा प्रॉफिट नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि इस पे दिक्कत है, ये प्रॉफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बिकॉज ऑफ काम कंप्लीट हमारा नहीं हुआ। अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा कंप्लीट हो जाता है, मान लो 1 साल का है, 1 साल में डन हो गया, तब तो ये यहीं पे खत्म आंसर। लेकिन 3 साल काम चलने वाला है, पहले साल का बना रहे, तो भाई सारा प्रॉफिट मत मानो, आपको प्रॉफिट मानना पड़ेगा प्रपोर्शनेटली। तो रूल लगाना पड़ेगा यहां पे, आपका ऐसा हो सकता है कि काम कंप्लीट हो 25% तक हो सकता है, तो आपका काम रूल फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका काम कंप्लीट होता है, वर्क कंप्लीट, लेस देन 25%, समझ में आया, लेस देन 25%, तो आपको जो प्रॉफिट कंसीडर करना है, मैं यहां लिख देता हूं वर्क सर्टिफाइड, यहां वर्क डन और यहां प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट मानना है 0। अगर आप 25% से काम कम करते हो तो आपका कोई मुनाफा नहीं होने वाला, प्रॉफिट 0 मान लो। आप नींव डाल देते हो और मकान मालिक से लड़ाई कर लेते हो, बोलते हो तो वो बोलेगा भाई कोई पैसा नहीं मिलेगा, जाओ यहां से, मतलब आपने काम बहुत छोटा सा किया है 25% से कम, तो आपको पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं मानना है यहां पे। लेकिन अगर आप वर्क डन करते हो, वर्क डन 25% या उससे ज्यादा, लेकिन 50% से कम हो सकता है ये ब्रैकेट। और ये 25% और 50% कैसे सोचेगा, आर्किटेक्चर बताएगा आके उसको, तो आपको प्रॉफिट मानना है 1/3 सरप्लस का। समझ में आ रहा है 1/3 सरप्लस? सरप्लस कौन सा? इसका 1/3 इनटू में कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव क्वेश्चन में देगा आपको, वर्क सर्टिफाइड, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम एक क्वेश्चन में करेंगे कि कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड क्यों लेते हैं हम, 1/3 क्यों लेते हैं, रूल है 1/3 के हिसाब से करना है, एक प्रोपोर्शनेटली अजम्पशन है कि इतना करना है, ठीक है? अब थर्ड पॉइंट, अगर आपका वर्क डन हो, डन वर्क डन हो 50% या उससे ज्यादा, लेकिन अप्रॉक्स 90% से कम, या 90% के बराबर भी मान लो, ठीक है, तो आपको रिजल्ट यहां पे लेना है 2/3 इंटू सरप्लस
इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। समझ में आ रहा है? ये वाला देखना पीछे वीडियो में आ रहा है नहीं आ रही है? ठीक है, वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, यहां तक क्लियर है? अब फोर्थ ऑप्शन किसके लिए हो सकता है बताओ? 100% ही होगा 90 से। अब 90% से जितना भी अवब करोगे उसके लिए आपको परसेंटेज क्या फॉलो करना है? वर्क डन 90% अवब, यहां पे लेना है आपको सरप्लस, कोई 2/3 1/3 नहीं, क्योंकि काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मान लो आपने 10 लाख में से 9 लाख का काम किया है तो आपको प्रॉफिट 9 लाख के बराबर का मानना चाहिए। 10 लाख में से 9 लाख कंप्लीट किया तो ऑलमोस्ट 90% डन कर दिया, तो आप 9 लाख के हिसाब से प्रॉफिट मानिए, ना कि 10 लाख से मानिए। ये जो प्रॉफिट निकल के आया ये तो 10 लाख के हिसाब से है, तो आपको किस में प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा? 9 लाख में। समझ में आया ये? ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो मैं इस सरप्लस को इस साइड लिख दूंगा, बाय सरप्लस, सरप्लस मैंने इस साइड लिखा। इसके बाद इस सरप्लस को दो टुकड़े में बांट दूंगा, एक मैं अपना प्रॉफिट मानूंगा और एक नहीं मानूंगा। इस फॉर्मूले से जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो प्रॉफिट मानना है, जिसको मैं बोलूंगा कॉस्टिंग, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको मैं सीपीएल भी बोल देता हूं कई बार। सीपीएल क्या हो गया? कॉस्टिंग पी एंड एल। तो जो इससे रिजल्ट आएगा वो कहां चले जाएगा? सीपीएल में। तो यहां से कुछ कैलकुलेट करके आंसर मिलेगा तो हम यहां लिखेंगे 2 CPL। समझ में आया सीपीएल क्या है? बाकी जो बचेगा, मान लो 100 रुपए का आया था, 100 में से ये निकल के आ गया 70, तो बाकी 30 बच रहा है ना, उस 30 को प्रॉफिट नहीं मानूंगा, तो उसके लिए मैं लिखूंगा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। हम प्रॉफिट नहीं मान रहे हैं, ये रिजर्व बना के चल रहे हैं कि इतना डूब सकता है हमारा पैसा। समझ में आई बात? ये जाके हमारा कंप्लीट होगा और आंसर कंप्लीट, और 15 नंबर में बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। सिर्फ आपको क्या करना होता है, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, वर्क सर्टिफाइड, नॉट सर्टिफाइड, और कैश रिसीव किया है, और आपको ये रूल याद रखना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर क्या क्या सीखेंगे और एक फॉर्मेट। देखिए, नोट करने से पहले एक पॉइंट और देखना, हमें क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं बताएगा कि हमारा काम कितने परसेंट कंप्लीट हुआ, कभी नहीं बताएगा। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, आर्किटेक्चर ने बोला जी 2 लाख का काम कंप्लीट हो गया, तो बताओ कितने परसेंट हुआ कंप्लीट? 10 लाख का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, आर्किटेक्चर आता है बोलता है 2 लाख का तो इसने काम कर दिया है, तो कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ? 20। देखो 10 लाख का 2 लाख कितने परसेंट होगा? 20%। ठीक है ना, मैंने 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया और आर्किटेक्चर आता है और बोल के जाता है इतना काम कंप्लीट हो गया, तो जो काम बोल के जाए उसे क्या बोला जाएगा? वर्क। बोल के जाता है इतना काम कंप्लीट है, 70,000 रुपए, 7 लाख का काम बोल के गया कंप्लीट हो गया, तो बताओ कितने परसेंट काम डन हुआ? 70%। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू में 100। सोचो मन में, यही तो किया है, पहले 2 लाख बोला तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू में 100, 20 रिजल्ट आया। 7 लाख में 7 लाख डिवाइडेड बाय आपका 10 लाख डिवाइड इनटू में 100, तो परसेंटेज कितना काम कंप्लीट हुआ पहले ये लगाएंगे, उसके बाद इसमें से कौन सा हमें लाइन चूज करना है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नोट कर लो फटाफट से। तरीके से होगा, आपके बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैज अंडरटेकन द कॉन्ट्रैक्ट अ ब्रिज। ब्रिज क्या होता है बता सकते हो? तो फ्लाईओवर क्या होता है? जो रिवर के ऊपर से जाता है उसे ब्रिज बोलते हैं, ओवर द रिवर यमुना, यमुना के ऊपर से एक पुल बनाने वाले हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है ये, द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 12,50,000 में पुल बनके तैयार हो जाएगा,
कॉन्ट्रैक्टर ने ये बात बोला है, सब्जेक्ट टू रिटेंशन 20% 1 ईयर आफ्टर द सर्टिफाइड कंप्लीशन। इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा हम आपके 20% पैसे रोक रोक के देंगे। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर बोले कि हम आपका इतना पैसा रोक लेंगे, उससे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये कहता है बस रिटेंशन द 20% काम हम आपका रोक लेंगे। फाइनल अप्रूवल ऑफ द कॉरपोरेशन इंजीनियर, इंजीनियर जब अप्रूव करेगा, तो इंजीनियर का मतलब यहाँ आर्किटेक्चर से है। द फॉलोइंग डिटेल शो इन द 30 जून 2016 का आपको इंफॉर्मेशन है। लेबर एट साइट्स, जहां काम चलता है ना उसको हम साइट बोलते हैं। तो लेबर एट साइट हमारा 4,05,000। तो लेबर एट साइट हमारा पहले हम डिस्कस कर ले एक बार, लेबर एट साइट किधर आएगा? टू साइट। मटेरियल लेस रिटर्न, मटेरियल यूज हुआ है, टू साइट। मटेरियल फ्रॉम स्टोर, स्टोर से भी मटेरियल मंगवा के रखा है, टू साइट। हायर एंड यूज प्लांट कीपिंग अकाउंट, हायर का मतलब कोई प्लांट किराए पे लिया और उसके लिए मैंने उसको पेमेंट किया है, तो कहाँ आएगा? टू साइड आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आएगा? टू साइड आएगा। जनरल ओवरहेड एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, टू साइड। इसके बाद मटेरियल इन हैंड 30 जून, क्लोजिंग मटेरियल। वेजिस एक्रूड, बताओ क्या होगा वेजिस एक्रूड? आउटस्टैंडिंग। एक्रूड का मतलब एड हो जाएगा और वेजेस लेबर के अंदर ऐड होगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड, ये भी क्या होगा? आउटस्टैंडिंग है, ऐड हो जाएगा। वर्क येट नॉट सर्टिफाइड, अमाउंट सर्टिफाइड। कैश रिसीव फॉर्मूले में यूज होगा, यहां पे कहीं भी कैश रिसीव का कोई काम नहीं होता। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एंड रेलेवेंट वुड बी अपियर इन द बैलेंस शीट। तो मैं दो अकाउंट को छोड़ रहा हूं अभी, क्योंकि बैलेंस शीट वाले बाद के डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना ले। तो आप बताते जाना, सबसे पहले मटेरियल, सबसे पहले लेबर एट साइट है, तो टू साइट में मैंने लिखा लेबर 4,05,000, अंदर इसलिए लिख रहा हूं एडजस्टमेंट है इस पे। इसके बाद मटेरियल, मटेरियल बताओ 4,20,000, मटेरियल स्टोर, एटी 200। नेक्स्ट क्या है? हायर चार्ज कितने का? इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस अमाउंट 23,000। इसके बाद इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, अंदर ही लिखना ठीक रहेगा, जनरल ओवरहेड 37,100। इसके बाद हैंड, बाय साइड में क्लोजिंग है, बाय क्लोजिंग मटेरियल कितने? 6,300। और एक्रूड है प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 7,800। 3 या 8? ठीक है। इसके बाद प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,600। इसके बाद बाय साइड में सबसे पहले लिखेंगे WIP और इसके अंदर वर्क नॉट सर्टिफाइड 16,500। इसके बाद वर्क कितने? 11,00,000। कैश रिसीव का कोई यूज नहीं है। चलिए सरप्लस जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। इसमें ऐड करना है हमें 4,05,000 प्लस 7,800, 4,12,800, 23,000, 24,600,
तो 11 लाख प्लस 16,500, 11,16,500 प्लस में 6,300, 11,22,800, 11,22,800। अगर मान लो लॉस आता है तब भी कोई रूल नहीं लगाना आपको, ठीक है ना? लॉस आएगा तो सीधा लॉस लिख के छोड़ देंगे, इसमें से कोई रूल नहीं लगाना। तो टू सरप्लस, सरप्लस आएगा माइनस 4,12,800 माइनस 4,20 माइनस 81,200 माइनस 12,100 माइनस 24,600 माइनस 37,100, ये आ गया 1,35,000। इसमें किसी को डाउट? ये बैलेंसिंग फिगर है। अब इस सरप्लस को हमें इधर ले जाना है। ये मैं सेपरेट बना रहा हूं, कुछ बुक में यहां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेपरेट ठीक है। बाय सरप्लस, और ये है हमारा 1,35। अब समस्या ये है, फॉर्मूला कौन सा लगाएं, रूल कौन सा लगाएं। अब हमें पहले तो परसेंटेज कंप्लीशन चेक करेंगे। चेक करने का तरीका मैंने बताया हुआ, वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन है 11 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो कितना गिवन था, 12 लाख, 12,50,000, 12.5 लाख इंटू में 100। यहां से परसेंटेज पता चल जाएगा, 88% कितना आ गया। सेकंड वाला रूल लगेगा, थर्ड वाला लगेगा, 50 से 90 के बीच में, थर्ड वाला। ये लो सरप्लस, या सीपीएल क्या आएगा हमारा, सीपीएल इज इक्वल टू 1,35,000 मल्टीप्लाई 2 बाय मल्टीप्लाई कैश रिसीव कितना था, 80,000 डिवाइडेड बाय। अब देखो वो बोल रहा था ना कि जितना भी कंप्लीट होगा उसका मैं 80% दूंगा, तो 11 लाख का 80% निकाल लो आप, 20% रख लूंगा तो देगा कितना। स्टार्टिंग में लाइन रिमाइंड करो, 20% मैं रख लूंगा, तो वही है, 20% रख लिया, 80 दे दिया, तो ये निकाले 7,200। यहां लिखा 2CPL और 2 वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व, इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं मान रहे हम, 63। ये लो आंसर हो गया कंप्लीट, ये 135। कोई डाउट? नोट करिए आप।